एक दिवसाची सुट्टी मी देतो, तुम्ही तुमची ताकद दाखवा, आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकद दाखवायला मैदानामध्ये येतो। ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। क्या है आज की खबर? आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 आपके पुनीत के साथ। तो खबर आई है मुंबई से। मुंबई में सोमवार को जो कुछ हुआ वो बहुत हैरान करने वाला था। दरअसल मुंबई में ओवैसी की पार्टी AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के समर्थकों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। क्यों लाठियां बरसाई हैं, मामला क्या था, ये पूरा आपको हम बता रहे हैं। ये मामला दरअसल शुरू जो हुआ ये बीजेपी के विधायक नितेश राणे के बयान से शुरू हुआ था, और साथ ही में एक महाराज हैं रामगिरी महाराज, इन्होंने मुस्लिमों को लेकर एक टिप्पणी की थी, और इसको लेकर मुस्लिमों की तरफ से कहा गया कि आपत्तिजनक टिप्पणी है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। इसी को लेकर AIMIM समर्थक जो हैं वो मुंबई में पहुंचे, प्रदर्शन करने लगे। बड़ी संख्या में मुस्लिम्स यहां पर पहुंच गए, प्रदर्शन करने लगे और ये मांग करने लगे कि इन लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए, इस मामले में एक्शन लिया जाना चाहिए। तो बीजेपी के विधायक नितेश राणे और रामगिरी महाराज ने मुस्लिमों को लेकर जो टिप्पणी की थी वो आपको बताएंगे, लेकिन इसको लेकर AIMIM ने छत्रपति संभाजी नगर से तिरंगा रैली निकाली, और तिरंगा रैली निकालते हुए हजारों लोग जिसमें शामिल हुए। इसमें ये लोग जो शामिल थे मुंबई जाकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करना चाहते थे, अपनी बात रखना चाहते थे, शिकायत दर्ज कराना चाह रहे थे। सीएम से बीजेपी विधायक नितेश राणे और संत रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई हो ये मांग भी उनकी तरफ से की जानी थी, लेकिन सीधे सीएम से मुलाकात करना, इस रैली का नेतृत्व जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के पूर्व सांसद इम्तियाज जलील और वारिस पठान कर रहे थे। ये प्रदर्शन जो हुआ तो इस दौरान ठाणे के आनंद नगर के जकात नाके के पास AIMIM कार्यकर्ताओं की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पहले बहस हुई, फिर भिड़ंत हो गई, आगे पुलिस ने आगे जाने के लिए समझाया कि आगे नहीं जा पाएंगे, इतनी बड़ी संख्या में लोग थे, स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस ने समझाया, पुलिस की नहीं मानते हुए बहस जब शुरू हुई तो फिर पुलिस ने इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए, स्थिति को काबू में करने के लिए यहां पर लाठियां बरसानी शुरू कर दी। रैली के दौरान मुंबई के कई इलाकों में जाम की स्थिति बन गई। आप जानते ही हैं कि मुंबई की रफ्तार क्या है, और इस दौरान जाम की स्थिति बन गई। इसके बाद पुलिस ने रैली को ठाणे से ही वापस कर दिया, लेकिन AIMIM नेता ने कहा कि बीजेपी दंगे कराना चाहती है। वारिस पठान ने नितेश राणे का वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव से पहले सांप्रदायिक हिंसा यहां पर कराना चाहती है। बता दें कि महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं और विधानसभा के चुनाव होने हैं, और नितेश राणे का इसके पहले जो बयान आया वो भड़काऊ भाषण है और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ये AIMIM नेता की तरफ से कहा गया और कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। अब नितेश राणे ने क्या कहा था ये आपको बता देते हैं। नितेश राणे ने इस जो पूरा प्रदर्शन हुआ, इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम पहुंचे, तो नितेश राणे की तरफ से कहा गया कि इतने तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के रैली में शामिल भीड़ की तुलना बीजेपी विधायक नितेश राणे ने पोहे से की। एक बार फिर से बयान दिया सोशल मीडिया पर, एक पोस्ट में भीड़ की तस्वीर और पोहे की तस्वीर के साथ लिखा कि इतना तो हम नाश्ते में खा जाते हैं। अब नितेश राणे जो हैं बीजेपी के विधायक, ऐसा नहीं है कि पहली बार इन्होंने कोई बयान दिया हो, इससे पहले भी वो जब बयान दिए हैं तो विवादों में आए हैं। कौन कौन से बयान उनके रहे? अभी 19 सितंबर को सांगली में ये कहा था कि 24 घंटे के लिए पुलिस की को छुट्टी पर भेज दो, फिर हिंदू अपनी ताकत दिखा देंगे। 1 सितंबर को अहमदनगर में कहा था कि रामगिरी महाराज के खिलाफ किसी ने कुछ भी किया तो मस्जिद के अंदर जाकर चुन चुनकर हम मारेंगे। अप्रैल में फिर बयान आया था, और इसी साल अप्रैल 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी नेताओं की बैठक में राणे ने कहा था कि 4 जून को रिजल्ट उनके हिसाब से नहीं आए तो सरपंच पैसा मांगने न आए, उन्हें अभी जितने वोट मिले हैं उससे ज्यादा वोट उनको चाहिए, यह उनकी तरफ से कहा गया था। इसके बाद 2023 के बयान की बात कर लेते हैं।
साल 2023 जून का महीना, नीतीश राणा ने कहा था कि अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो उसे इनाम दूंगा। ये बयान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के लोकसभा की सदस्यता लेते समय जो जय फिलिस्तीन का नारा उन्होंने लगाया था, उसके बाद यह बयान सामने आया था। मई 2023 में नीतीश राणा ने संजय राउत को सांप कहा था और दावा किया था कि संजय राउत राजनीतिक रूप से उद्धव ठाकरे को खत्म करना चाहते हैं, वो जल्द ही उद्धव ठाकरे को छोड़कर एनसीपी में शामिल हो जाएंगे। अब एक मामला और आपको बताते हैं। मामला क्या है? मामला केवल नीतीश राणा के बयान से नहीं जुड़ा हुआ है, मामला एक महाराज के बयान से भी जुड़ा हुआ है। कौन से महाराज हैं? क्या नाम है इनका? इनका नाम है रामगिरी महाराज। इन्हीं को लेकर नीतीश राणा ने कहा था कि अगर रामगिरी महाराज को कुछ होता है तो फिर हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल रामगिरी महाराज ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी। धर्मगुरु हैं ये, इन पर पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में एक कार्यक्रम के दौरान रामगिरी महाराज ने टिप्पणी की थी और इसका वीडियो वायरल हो गया। मुस्लिम संगठनों ने देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई पुलिस ने इसके बाद उन पर बीएनएस की धारा 302 समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। रामगिरी जी महाराज के खिलाफ नासिक और छत्रपति संभाजीनगर में भी FIR कर ली गई, लेकिन महाराज ने अपना पक्ष रखा और कहा कि उन्होंने तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है अत्याचार, उसके विरोध में यह बयान दिया था और उनका मकसद हिंदुओं को एकजुट करने का था। रामगिरी महाराज जो हैं ये महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश हैं, उनके भक्तों की संख्या लाखों में बताई जाती है। छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, जालना, जलगांव क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रबल प्रभाव माना जाता है और सरला द्वीप का निर्माण गोदावरी नदी के बंटवारे से हुआ था ये भी बताया जाता है। तो नीतीश राणा और रामगिरी महाराज का जो बयान सामने आया उसके बाद मुस्लिम हो गए नाराज। इतना ही नहीं, कई खबरें आ रही हैं इस मामले को लेकर, मुस्लिमों की तरफ से ये जुलूस, AIMIM की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन निकाला गया या तिरंगा यात्रा जिसे नाम दिया गया, ये जब निकाला गया तो इस दौरान बहुत सारे नारे लगे और ऐसे नारे जो उकसावे वाले नारे कहे जा सकते हैं। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है। अब आगे देखना होगा कि एक तरफ मुस्लिम और AIMIM जो इस पूरे मामले में प्रदर्शन कर रहा था और जो मांग कर रहा था कि नीतीश राणा और रामगिरी महाराज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, CM से मिलना चाह रहा था, इस जुलूस की जब पिक्चर निकलकर सामने आएगी तो हो सकता है कि पुलिस इस मामले में आगे और कोई भी कार्रवाई कर सकती है। धन्यवाद। एक दिवसाची सुट्टी भी देखो, तुम्ही तुमची ताकत दाखवा आणि हिंदू म्हणून आम्ही आमची ताकत दाखवायला मैदानामध्ये